हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब पुलिस कांस्टेबल पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का 13वां पार्ट है। इस पार्ट में हम मैथमेटिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये सीरीज हमने ख़त्म करनी थी 13 पार्ट पे, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स, वीवर्स के मैसेज आ रहे हैं और ईमेल्स आ रही हैं कि कंप्यूटर क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, पैसेज और ऐसे, इन चार ऑप्शंस को लाजमी डिस्कस किया जाए। इसलिए इस सीरीज के 2-3 पार्ट्स मजीद बढ़ जाएंगे। इस पार्ट में हम सबका इम्तिहान में से अहम और बार बार दोहराए जाने वाले सवालात को शामिल करेंगे। वीवर्स, पास्ट पेपर्स आप जितने भी उठा लें, उन तमाम पेपर्स में वो तमाम क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, बार बार आए हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस होने वाले सवालात सबका हर पेपर में बार बार दोहराए गए हैं, इसलिए आपने तरीकाकार समझना है। अगर आपको तरीकाकार समझ आ गया तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 272। इससे पहले के 271 क्वेश्चन सबका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में ये सीरीज बार बार आई है। इसमें डिजिट्स जरूर चेंज हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम है। आपके सामने ये सीरीज दी गई है 3, 4, 7, 8, 11, 12, और पूछा गया है इससे आगे क्या आएगा। आंसर में लिखा हुआ है 15। इससे अगली जो सीरीज में जो अगला डिजिट होगा, अगली फिगर इसमें 15 होगी। लेकिन यहां पे सवाल ये क्रिएट होता है कि 15 जवाब इसका किस तरह आएगा। कागज पेंसिल अपने पास रखें और ये तमाम चीजें नोट करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। 15 जवाब इस तरह आएगा। सबसे पहले तो नोट करें कि ये एक डबल सीरीज है, इसे डबल सीरीज कहा जाता है। और डबल सीरीज क्यों कहा जाता है वो मैं आपको यहां पर प्रूव करके दिखाता हूं। सबसे पहले है 3, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11। अब इन तीनों डिजिट्स को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। 3 में 4 जमा करेंगे तो 7 आएगा, 7 में जब 4 जमा करेंगे तो 11 आएगा, 11 में जब हम 4 जमा करेंगे तो 15 आएगा। आपके सामने है, ये देखें, 3 में 4 जमा किए 7, 7 में 4 जमा किए 11, 11 में जब हम 4 जमा करेंगे तो यहां पे 15 आएगा, जो हमारा आंसर है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चेक कर लिया है। अब हम जो डिजिट रह गए हैं 4, 8, 12, इनको देखते हैं। 4 में जब 4 जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में जब 4 जमा होंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में जब 4 जमा होंगे तो यहां पे 16 आएगा। पहले डिजिट को और दूसरे डिजिट को आप सेम क्राइटेरिया से, सेम फार्मूला से चेक करें तो 4 क्या डिफरेंस है इनमें। इसलिए ये डबल सीरीज है, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों डिजिट्स के हिसाब से इसका सेम जवाब आ रहा है। इसका आंसर 15 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वीवर्स, ये क्वेश्चन हर पेपर में दोहराया गया है। इसमें यह जरूर है कि जहां यहां पे 3 लिखा है, 4, 7, 8, 11, 12, वहां पे कोई और डिजिट लिखे होंगे, 10, 12, 15, 14, इस तरह कुछ और फिगर्स लिखी होंगी। लेकिन तरीकाकार यही है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मैंने दिखाया है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। सबका पेपर्स में ये तमाम क्वेश्चन बार बार दोहराए गए हैं, मुख्तलिफ डिजिट्स के साथ, मुख्तलिफ शेप्स में, जो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक रकम दी गई है, इसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वीवर्स, जो कैंडिडेट्स सबका इम्तिहानात में अपीयर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में रिपीट हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार देख लें। 3x-15-6=0, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
3x को हम एक साइड पे रखेंगे और बराबर के दूसरी साइड पे 15 और 6 को हम ले जाएंगे। जब 15 और 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो दूसरी साइड पे जब आता तो ये माइनस हो जाता। ये देखें दोनों अमाउंट्स 15 और 6 ये प्लस शेप में दूसरी साइड पे आ गए। 15 और 6 को जमा किया 21 आ गया। 3x इज इक्वल टू 21। एक्स को हम यहीं पे रहने देंगे, 3 को 21 के बटे में ले जाएंगे। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। एक्स इज इक्वल टू 7। वीवर साहब का पेपर्स में इस तरह हुआ है कि यहां पे अगर 3 लिखा है तो वहां पे 8 लिखा होगा, यहां पे अगर 15 लिखा है तो किसी और क्वेश्चन में 20, 25 या कुछ भी फिगर लिखा जा सकता है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 274 क्वेश्चन। एक लाइन में 13 आदमी बैठे हैं, अगर दाई साइड से गिनती करें तो एक शख्स पांचवें नंबर पर है, अगर बाई साइड से गिनती करें तो वही शख्स जो पांचवें नंबर पर है वही शख्स कितनेवें नंबर पे होगा। वीवर्स इसको हमने एक सिंपल तरीका कार से लिखा है। ये हमारे पास समझे के एग्जाम्पल के तौर पे ये लोग बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मेरी राइट साइड ये बनती है, जब मैं इधर से काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें नंबर पे 9 है। यानी कि अगर दाई साइड से काउंट करेंगे तो ये शख्स जो है पांचवें नंबर पे बैठा हुआ है, तो अगर इसे बाई साइड से हम काउंट करेंगे तो बाई साइड से ये 9वें नंबर पे है। क्वेश्चन को दोबारा समझे, एक लाइन में 13 आदमी बैठे हैं, अगर दाई साइड से गिनती शुरू करें तो वो शख्स पांचवें नंबर पे है। फॉर एग्जाम्पल ये जो शख्स बैठा हुआ है इसका नाम आसिफ है, अगर दाई साइड से शुरू करेंगे तो आसिफ पांचवें नंबर पे है, यानी कि पांचवा नंबर 9 बन रहा है। तो जब इसे दाई साइड से शुरू करेंगे तो ये पांचवा नंबर 9 बन रहा है, जब इसे बाई साइड से शुरू करेंगे तो ये कितनेवें नंबर पे होगा। जाहिरी बात है ये जब बाई साइड से शुरू करेंगे तो ये 9वें नंबर पे होगा। ठीक है व्यूअर्स, किसी भी क्वेश्चन की अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 275, 275 क्वेश्चन है। इफ इट इज नाउ जून, अगर मौजूदा महीना जो इस वक्त मौजूदा महीना है वो जून का है, तो 100 महीनों के बाद व्हाट मंथ विल इट बी आफ्टर 100 मंथ्स नाउ। 100 महीनों के बाद जो महीना होगा वो कौन सा महीना होगा। वीवर्स इंतहाई आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसे। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, 12 को आप 8 से जरब देंगे तो 96 जवाब आएगा, यानी कि 8 साल में 12 महीने होते हैं। हम जून से जब इसे काउंट करेंगे 96 महीनों को तो ये 8 साल के बाद जून का महीना ही आएगा, 96वां महीना आएगा जो जून है। जून जो है 8 साल के बाद 96 नंबर पे है, हमने 100वां महीना चेक करना है तो जून में हम 4 महीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा अक्टूबर का महीना बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है जून, ये 96 मंथ है, 97, 98, 99 और ये 100, यानी कि अक्टूबर जो है, अगर ये महीना मौजूदा जून का महीना है तो 100वां महीना जो होगा वो अक्टूबर का महीना कहलाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मजीद समझ आ जाएगी, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें आप कॉपी पेंसिल के साथ रिटन राइट करते जाएं, लिखते जाएं, क्योंकि लिखने से और सुनने से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर हर नए आने वाले पेपर को डिस्कस किया जाता है
और तमाम असामियों के लिए पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितना भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 276। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन द केमिस्ट्री, 46% पास्ड इन फिजिक्स एंड 35% ओवरऑल पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। आपको सिंपल बताता हूं ये क्वेश्चन क्या है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि एक इम्तिहान में 48% तालबे इलम केमिस्ट्री में पास हुए, 46% फिजिक्स में पास हुए और ओवरऑल इन दोनों सब्जेक्ट्स में से 35% लोग पास हुए। 35% इस तरह के कुछ लोग जो केमिस्ट्री में पास हुए हैं उनमें से कुछ फिजिक्स में फेल हो गए, जो फिजिक्स में पास हुए हैं वो उनमें से चंद एक केमिस्ट्री में फेल हो गए। इस तरह ओवरऑल जो स्टूडेंट्स इन दोनों में से पास हुए हैं वो 35% है। इसका आंसर 59 है, लेकिन इशू यहां पे ये है कि 59 किस तरह इसका आंसर आता है। वीवर्स ये एक फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें। अगर पेपर में ये क्वेश्चन दोबारा आए तो आपने इस फार्मूले के तहत इसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबका पेपर में कमोबेश 3 बार ये क्वेश्चन आया है। पास्ड इन केमिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उन्हें आपने लिखना है। उसके बाद जो फिजिक्स में पास हुए हैं इन दोनों को जमा करके जो ओवरऑल आपके स्टूडेंट्स हैं 35%, इनको आपने उसमें से माइनस कर देना है। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सामने दर्ज है कि 48% केमिस्ट्री में पास हुए हैं और 46% फिजिक्स में। इन दोनों को आप जमा करें, उसमें से 35 को माइनस कर दें। आपके सामने ये स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। 48 जमा 46 माइनस 35, 48 और 46 को जब जमा करेंगे तो 94 आएगा, इसमें से आपने 35 को माइनस कर देना, 59%। इसमें आंसर ये आ गया इसका कि इस एग्जाम में टोटल 59% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 277। अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट कंप्लीट द सीरीज। एक सीरीज दी गई है और पूछा गया है कि इसमें नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। इसका जो आंसर है आपकी स्क्रीन पे दर्ज है वो LGQ है, ऑप्शन सी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दोबारा पेपर में आता है या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है और यकीनन आएगा, तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका कार देख लें। पहला वर्ड हमारे पास है DKY, दूसरा है FJW, तीसरा है HIU, तीसरा है JSHS। वीवर इसका पहला पहला डिजिट हमने उठाना है। फिलहाल पहले जो जो हमारे पास दिया गया है नंबर उसमें DKY है, दूसरे में FJW। हमने पहले का D लेना है, दूसरे का F, तीसरे का H और चौथे का J। वीवर जिसमें हमने अब देखना ये है कि ये पहले पहले डिजिट जो हैं D, F, H, J, ये किस तरह एग्जामिनर ने उठाए हैं। जिस सीरीज में ये डिजिट उठाए होंगे उसी सीरीज में हम अगला एक डिजिट लिख देंगे, अगला एक लेटर लिख देंगे। अब ये देखें डी है, उसके बाद एफ है। डी में आप दो लेटर्स जमा करें अल्फाबेटिक, DEF। ये आपके सामने से सॉल्व किया गया है। डी में जब आप दो जमा करेंगे तो एफ बनेगा, एग्जामिनर ने एफ लिख दिया है। उसके बाद एफ में जब आप दो जमा करेंगे तो वो एच बन जाएगा, ये एच लिखा हुआ है। तीसरे में आपने एच में दो जमा करने हैं तो ये जे बन जाएगा। इसी तरह जे में जब आप दो जमा करेंगे तो ये एल बनेगा, जैसा कि ये आंसर में लिखा हुआ है। उसके बाद हम दूसरे लेटर को उठाते हैं के, ये आपके सामने है, JIH। अब देखते हैं ये किस तरह आया है। के में से आप एक माइनस करेंगे तो जे आएगा, जे में से एक माइनस करेंगे तो आई आएगा, आई में से जब एक माइनस करेंगे तो एच आएगा, इसी तरह जब एच में से एक माइनस करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज का दूसरा लेटर जी आएगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दर्ज है जी। वीवर्स
जब हमने आगे बढ़ना है तो प्लस करना है, जब वापिस आना है एबीसी को जब उल्टा पढ़ना है बैक साइड पे जब आना है तो वो डिजिट हम माइनस करेंगे। इसी तरह तीसरी सीरीज है हमारे पास, तीसरा लेटर है वाई, वाई डब्ल्यू यू एस। इसकी सीरीज हम चेक करते हैं किस तरह से आई है। जिस सीरीज में ये लेटर्स चल रहे हैं इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रख के जो हमारा आंसर है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें वाई है पहला डिजिट, वाई में से हमने दो माइनस करने हैं, वापिस आना है तो डब्ल्यू आएगा, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे तीसरा लेटर डब्ल्यू है। डब्ल्यू में से दो माइनस करेंगे यू आएगा, यू में से दो माइनस करेंगे एस आएगा, और इसी तरह एस में से जब दो माइनस करेंगे तो क्यू आएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आंसर दर्ज है एल जी क्यू। व्यूअर्स इसे जब आप इस वीडियो को सुनना स्टार्ट करें तो साथ कॉपी पेंसिल रखें और इसे नोट करते जाएं, जैसे जैसे आप नोट करते जाएंगे सुनते जाएंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 278 पे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तकरीबन 99% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यूअर्स ये इंतहाई अहम सवाल है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के अलावा भी तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है। इसमें वर्ड चेंज होंगे लेकिन सेम यही तरीकाकार है। इफ कंप्यूटर इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर कंप्यूटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बराबर है और स्कूल 1, 2, 0, 3, 3, B के बराबर है तो माउस किसके बराबर होगा। व्यूअर्स इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बराबर है। इसको चेक करते हैं किस तरह ये इसके बराबर है। जी व्यूअर्स ये देखें सी, पहला वर्ड है सी, पहला लेटर सी है, ये सी के सामने दो लिखना है, उसके बाद ओ है, ओ के सामने तीन लिखना है। ये नीचे शॉर्ट डिटेल में दिया गया है, 3 2 के बराबर है, ओ 3 के बराबर है, एम 4 के बराबर है। जहां पे भी सी आएगा वहां पे हमने दो लिखना है, जहां पे ओ आएगा वहां पे तीन लिखना है, जहां पे भी माउस में पी आएगा वहां पे 5 लिखना है, जहां पे यू आएगा वहां पे 6 लिखना है, जहां पे टी आएगा वहां पे 7 लिखना है। इसी तरह स्कूल को देखते हैं, S1 ये देखिए आपके सामने S है, S के बराबर 1 आ रहा है, C है, C के बराबर 2 आ रहा है, H है, H के बराबर 0 आ रहा है। इसी तरह यहां पे हमने डिस्कस किया इसे, C देखें C किसके बराबर है 2 के, कंप्यूटर में भी C किसके बराबर था 2 के, H बराबर आ रहा है 0 के, O बराबर आ रहा है 3 के, कंप्यूटर में भी ये देखें O 3 के बराबर था, L बराबर आ रहा है B के। अब हमने क्या करना है, माउस में जो लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं MOUSE, कंप्यूटर और स्कूल में ये लेटर्स जिस जिस डिजिट के बराबर थे वो हम इसके सामने लिखते जाएंगे। देखते हैं इसमें M किसके बराबर था, कंप्यूटर में M 4 के बराबर था, M इज इक्वल टू 4 ये हमने लिख दिया। O किसके बराबर था, 3 के बराबर था, हमने O के सामने 3 लिख दिया है। U किसके बराबर था, 6 के, U के सामने हमने 6 लिख दिया है। माउस का S बराबर है 1 के, ये हमने कहां से देखा है, ये देखें आपके सामने स्कूल का S जो है वो 1 के बराबर था, इसीलिए हमने यहां पे S इज इक्वल टू 1 लिख दिया है। उसके बाद ई बच गया माउस का, यहां पे देखें कंप्यूटर में जो ई इस्तेमाल हुआ है ये देखें ये यहां पे 8 के बराबर है, हमने ई के सामने 8 लिख दिया। वही डिजिट्स हमने, वही वैल्यूज हमने पूछे गए वर्ड में पुट कर देनी है और वही हमारा आंसर होगा। ये देखें अब 4, 3, 6, 1, 8, 4, 3, 6, 1, 8 ये हमारा करेक्ट आंसर है। व्यूवर्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका तरीकाकार आप समझें। पेपर में कोई भी नाम आ गया, कोई भी वर्ड आ गया, कोई भी फिगर अमाउंट आ गई, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में पूछा गया है। इफ फ्रेग्रेंस इज रिटन एज, अगर फ्रेग्रेंस को, वर्ड है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस को अगर इस तरह लिखा जाए SBHSDODFG, तो इंपोजिंग को किस तरह लिखा जाएगा। ये जो साहब का क्वेश्चन हमने किया है सॉल्व, ये उसी की तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वीवर्स ये देखें आपके सामने F है, F को छोड़ दें, इधर से आपने F को छोड़ देना सॉल्व करते हुए, यहां से I को, इसको एंड में सॉल्व करना है हमने। R है, इस वर्ड में R लिखा हुआ है, यहां पे पहला S है, यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे G है, इस वर्ड में H है, यहां पे R है, यहां पे S है, यानी कि नेक्स्ट लेटर आपने लिखना है। यहां पे A लिखा हुआ है, यहां पे B लिखा हुआ है, यहां पे N लिखा हुआ है, इधर O लिखा हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें आपके सामने नीचे सॉल्व भी किया गया है, F को छोड़ दिया गया है क्योंकि F को एंड में सॉल्व करना है, यहां पे E आया है, यहां पे F लिखा गया है, आखिरी डिजिट जो है G, सबसे पहले हमारे पास F था, ये देखें हमारे पास F है, इसको हम एंड पे उठा के ले जाएंगे, F से अगला लेटर G होता है, हमने एंड पे G लिख दिया। ये आपके सामने सॉल्व किया भी हुआ है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंपोजिंग, आई को छोड़ देना है, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, ओ के बाद क्या आता है पी, ये आपके सामने आंसर में सारा कुछ दिया गया, इसको आप टैली कर लें, एम के बाद एन, पी के बाद क्यू, ओ के बाद पी, एस के बाद टी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, जी के बाद ये एच आ गया, अब एंड पे जे बच गया, शुरू में आई था, आई के बाद जे आता है, उसको हम एंड पे ले जाएंगे। ये दोनों जो वर्ड्स हैं इसी तरीके से सॉल्व होंगे और इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। अगर पेपर में ये आ जाता है दोबारा क्वेश्चन, तो आपने पहले उसे देखना है अच्छे तरीके से, रफ अमल में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो जो करेक्ट आंसर आपको लगे तो वो आपने सिलेक्ट करना है। तरीकाकार अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 280, ईटिंग इज टू फॉक, रीडिंग इज टू डैश। अगर क्वेश्चन ये है कि ईटिंग इज टू फॉक, खाने के लिए कांटा इस्तेमाल होता है, रीडिंग इज टू डैश, पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, बुक। क्वेश्चन नंबर 281, फाइंड दी ऑड वन आउट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 100% पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है। उन्होंने कहा है कि इन चारों अमाउंट्स में से जो अमाउंट सबसे यूनिक है, डिफरेंट है, उसको आप सिलेक्ट करें। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिक कौन सी है, पहले आपने इन तमाम अमाउंट्स को जमा करना है, मुख्तलिफ तरीकों से जमा करना है, माइनस करना है, आपने एक दूसरे फिगर्स में जो डिफरेंस होगा उसको काउंट करना है, तो आपको वाजी हो जाएगा कि इसमें कौन सी चीज, कौन सा डिजिट, कौन सी अमाउंट यूनिक है। ये इंतहाई सिंपल है, ये देखें, पहली अमाउंट को जब जमा किया गया, 2 + 5 + 6 + 3 + 1, तो ये 17 बना, जब दूसरी अमाउंट को जमा किया गया तो ये फिर 17 बना, तीसरी अमाउंट को जमा किया गया ये 16 बना, चौथी अमाउंट को जब जमा किया गया 3 + 4 + 4 + 2 + 4, तो ये 17 बना, इनमें जो डिफरेंट था वो 16 था, 16 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इसलिए ऑड वन आउट जो है वो ऑप्शन सी है। इसका तरीकाकार समझें, पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आया, अगर ये दोबारा आ जाता है तो आपने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, काफी लंबी वीडियो हो गई है, अगर इसको टू दी पॉइंट में समझाता तो ये 5-6 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती, लेकिन हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया और उसका कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। व्यूअर्स,
पंजाब पुलिस कांस्टेबल सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ 14 पार्ट में दोबारा हाजिर होंगे और 14 पार्ट में हम पैसेज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसे कंप्रीहेंशन कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।